अस्सलाम वालेकुम। शाम के वक्त चाय पीता है ये बताया मुझे। मुगीस की चाय ये रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, सब खैरियत से हैं? आप देख रहे होंगे मैं ऐसे रूप में आपके सामने खड़ी हुई हूँ। असर का वक्त हो गया है, मैंने कहा चले नमाज पढ़ लेती हूँ। रेगुलर की थोड़ी सी रूटीन आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि मैं अभी बाहर जा पा नहीं रही हूँ, तो मैंने कहा चले आपको रेगुलर रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ शाम के वक्त। मैंने असर का वक्त हो गया है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज अदा करूंगी। नमाज अदा करने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करूंगी आप बताए। शाम के वक्त चाय पी जाती, चाय दिखाएंगे हम आपको, चाय पिला नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। ठीक है, रोजाना की इस टाइम की रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। जी सबने रेडी हो गई है, हल्का फुल्का सबने मेकअप करा है, हमने कहा नमाज हमने अदा कर ली थी, हमने कहा चले थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें बातें करें, बातें शब्दों सुनाए। आप लोग क्या कर रहे थे शाम में, आप लोगों की क्या रूटीन है, क्या करते हैं आप लोग भी, मुझे सब मेरी जो दोस्तें हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएं हैं, वो मुझे बताएं जरूर। मैं जो हूँ मैं नमाजों में ज्यादातर रहती हूँ, मेरी तहज्जुद होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहज्जुद भी अदा करती हूँ, फिर फजर पढ़ के फिर मैं वही देखभाल के मैं कपड़े वपड़े निकालती हूँ, क्योंकि सुबह मैट आती है, मैट को मैं काम हम बताती हूँ। वैसे बहुत अच्छी मैट है मेरी, बहुत अच्छी सी, मतलब सफाई फाई बहुत अच्छी करती है माशाल्लाह से, मुझे तो मेरी मतलब की मैट मिल गई, यकीन करे इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी सफाई करती ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किचन भी इतना जबरदस्त चमकाती है माशाल्लाह से, कपड़े भी इतने अच्छे धोती है, इस्त्री नहीं करती, कहती नहीं बाजी मैं इस्त्री नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी तुम, कह रही मैं इसलिए नहीं करूंगी मुझे करंट लग चुका है। ओ मैंने कहा करंट लग गया तो क्या हुआ, मुझे भी करंट लगा था, मुझे तो इस्त्री ने उठा के ही फेंक दिया था। मैंने कहा ओ फिर कह रही हो, हैरान हो गई, ओए ला बाजी आप फिर भी इस्त्री करती है, तो फिर मैंने कहा कौन करेगा भाई, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, यकीन करे मेरे इतनी खतरनाक करंट लगा था, मैं हिल गई थी, ये गर्दन है ना मैं यूं लटक गई थी यूं करके, यकीन करे आप। तो अल्लाह जिसे जिंदगी देता है वो देता है, जिससे ले लेता है तो वो चला जाता है दुनिया से। तो मैंने कहा चले अभी मुगीस को भेजा इनके समोसे और रोल लेने, हमारे जो सुहेल है ना उनके, वो भाई उन्हें बहुत क्रेविंग होती है शाम के वक्त, मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है, क्योंकि पता है क्या सुबह है ना हम नाश्ता हम 10, 10:30, 11 ऐसे कर लेते हैं, मियाँ बीवी है ना, बच्चे छोटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, कोई रोक टोक नहीं कुछ नहीं, और बच्चे बड़े हो गए, बेटे की शादी करनी है, बस उसी का इंतजार है, उसी के सेहरे का इंतजार है। इंशाल्लाह आ गए मुफीज, आ गए हैं मुफीज, आ भी आए समोसे ये आए, हमारी शक्ल देख ली इसने कि देखो मामा है ना वीडियो बना रही है इतना एलर्जी है ना इस लड़के को वीडियो से, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इन्हें उठाते ये सो रहे हैं, भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही, और जब ये लेकर आ गए तो मैं चाय वाय बनाऊंगी, चाय बनाते हैं फिर चले किचन में चलते हैं, क्योंकि ये लड़का है ना ये लड़का, वो जल्दी से इसके लिए कोई अच्छी लड़की बताएं ताकि मैं इसकी शादी करूं का फेरा सजाऊं। ये देखे हमारी चाय आ गई है और बोल तेरे सुनिए सुनिए भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, आए चाय पिए हमारे साथ, सो रहे थे, इनके समोसे और रोल इन्होंने मंगाए थे तो उठाती नहीं क्या, वो इतनी देर में सो गया मुझे ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, चले मैं बैठते हैं फिर बात करते, हम चाय पियेंगे दोनों। मुगीस की चाय ये रही, मुगीस बेटा ये आपकी चाय है, नींद पूरी हो गई तुम्हारी, हो गई नींद पूरी, डॉक्टर
मैं नहीं खा रही ना बाबा। थोड़ा ना? नहीं 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 आना बिल्कुल मोटी हो जाऊ। आज से मैंने तली हुई चीजें छोड़ दी। मैंने जिससे वेट बढ़ता सब छोड़ दिया। बहुत वेट बढ़ रहा है यकीन करें। ये है हमारी रूटीन। शाम के बाद कुछ ना कुछ खाना। सब इन्होंने आदत डलवाई है मेरी। चुप चुप की सब इन्होंने एक ही घर कुएं में डाल। शादी हुई है तो हम इतना सब कुछ नहीं खाते पीते थे। थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होने शुरू हो गए। उनकी अपनी फरमाइश है ये खाना है वो खाना है। फिर बच्चियां बड़ी हो गई खत्म। तो निकली चटोरियां दोनों हमारी बड़ी और छोटी। हाँ रुखसार पर ना बहुत भूख लगती थी। शाम के वक्त ना बहुत भूख लगती थी क्योंकि वो एक्सरसाइज करती। एक घंटा पूरा एक्सरसाइज करती थी वो तो उसको लगती थी भूख बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही है भूख। चटोरा मुझे लोगों ने बनाया। मैं ऐसा चटोरा था नहीं। नहीं दो। हाँ। ये केक दिया हमारे साहबजादे साहब ने। तो बताइए से निकला इतना। इसमें क्या ना इसमें क्या खाएंगे और क्या ना छोड़ेंगे फिर भी खा लेते हैं। मैं आपसे ये कह रही थी माम की भी तबीयत खराब हो गई थी कल। डॉक्टर के गई है दिखाने। उनके आधे सर में ना दर्द हो रहा था बहुत शदीद दर्द हो रहा था। तो वही नजला वजला शायद जम गया था शायद इसी वजह से वो दिमाग की बहुत तबीयत खराब है। अब सही है अल्लाह का शुक्र माम ठीक है पहले से बेहतर है जी। मैंने तो नमाज पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पता ही नहीं चला टाइम का। बातों में इतना लग गए कि पता ही नहीं चला। मैंने कहा नमाज पढ़ लेते हैं फिर मैं उठ गई थी। मैंने आपको बताया ही नहीं मैं ख्याल ही नहीं रहा बातों बातों में। जब मैं नमाजों के कानों में आवाज जाती है ना नमाज की तो मैं फौरन उठ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई बंद करो ये मोबाइल वोबाइल। फिर नमाज नमाज पढ़ ली। हमने तो रूटीन शाम की इनको दिखा दी है। सही है ना शाम की रूटीन हमने आपको दिखा दी है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आपको दिखाएंगे कि हम स्टार्ट कैसे लेंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शबनम सुहेल को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।